गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य पाठ्यपुस्तक क्षितिज पाठ 13वां शीर्षक मानवीय कर्मा की दिव्य चमक लेखक सर्वेश्वर दयाल सत्यनारायण जी और भाग सेकंड। जैसा कि आपको विदित है फर्स्ट भाग में मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक के अंतर्गत आपने फादर के बारे में जाना और इसमें फादर जो है एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, व्यवहार कुशल व्यक्ति, दयानिधि व्यक्ति, करुणानिधि व्यक्ति, बहुत ही सुंदर व्यक्ति के बारे में इस चैप्टर के बारे में आपको फर्स्ट भाग में बताया गया। उनकी पढ़ाई के बारे में बताया गया, उनके परिवार के बारे में बताया गया, उनकी उन्होंने संन्यास किस प्रकार लिया उसके बारे में बताया। अंतिम पंक्तियों में पहुँचते पहुँचते उन्होंने संन्यास ले ही लिया और वो भारत भी आ गए। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में उनकी शर्त मान ली गई और भारत आ गए। जब उन्होंने अपने धर्मगुरु से शर्त रखी, क्योंकि संन्यास लेने वाला व्यक्ति अपने धर्मगुरु के सामने एक शर्त जब रखता है, तो उन्होंने शर्त भारत आने की रखी और वो उस शर्त को सहर्ष उनके जो गुरु थे, उनके जो धर्मगुरु थे, उन्होंने मान लिया और वास्तव में वो बेल्जियम से, जहाँ बेल्जियम में वो एक स्थान का वर्णन किया गया है रेम्स चैपल वहां से छोड़कर वो भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। सबसे पहले जेसुइट संघ एक संघ है जिसका नाम जेसुइट है। 2 साल पादरियों के बीच में उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई कंप्लीट की। फिर इसके बाद में 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे और 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में भी रहे। कोलकाता से बीए किया और कोलकाता से उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। फिर इलाहाबाद से एमए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और उन दिनों जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जिसमें हिंदी विभाग है, उसके जो विभागाध्यक्ष थे, हिंदी विभागाध्यक्ष जिनका नाम था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर और शोध प्रबंध पीएचडी अर्थात शोध आपका पीएचडी की जो पीएचडी में शोध लिखना होता है अर्थात किसी विषय पर रिसर्च करना होता है, अन्वेषण करना होता है, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी जिसको हम कहते हैं, इन्होंने पीएचडी की भी पढ़ाई प्राप्त की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इन्होंने बीए की पढ़ाई कोलकाता से की, एमए की पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद से की, उसके बाद में शोध प्रबंध जो लिखा है इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में इन्होंने शोध प्रबंध लिखा। 1950 में यह पूरा हुआ। इन्होंने शोध प्रबंध का जो समय था रामकथा उत्पत्ति और विकास, यह इनके शोध प्रबंध का शीर्षक था, टॉपिक था रामकथा की उत्पत्ति और विकास। जो रामकथा है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो कथा है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, विकास कैसे हुआ, इसके बारे में शोध प्रबंध में उन्होंने लिखा। परमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे और परमल एक संस्थान था जिसको स्थापित किया गया था इनके द्वारा, उसमें उसके अध्याय पढ़े गए। क्योंकि शोध जो करते हैं पीएचडी में, जो शोध हम लिखते हैं उसमें अध्याय होते हैं, क्रमशः किसी के शोध प्रबंध में 5 अध्याय होते हैं, किसी के में 6 होते हैं, किसी के में 7 होते हैं, तो इसी प्रकार इनके भी शोध प्रबंध में अध्याय थे। उन अध्यायों को जो परमल नामक जो स्थान है, संस्थान था एक, उसमें उनको पढ़ा गया। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक, जो मातृलिंग का प्रसिद्ध नाटक है, मातृलिंग जिनके लेखक हैं, जिनका प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया, ब्लू बर्ड, ब्लू माने नीला, सॉरी ब्लू नीला और बर्ड माने चिड़िया, तो जो नीली पक्षी जो था उसके बारे में इन्होंने आपका रूपांतर भी किया है। नीले पक्षी की नामक जो ग्रंथ था उसके बारे में इन्होंने रूपांतर भी किया है। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हुए।
और बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में जो है वहाँ के हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और वहीं पर उन्होंने रांची में ही हिंदी संस्कृत शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। जो बाइबल ग्रंथ होता है जो ईसा मसीह जो कृष्णों का जो बाइबल सबसे बड़ा जो शास्त्र है उसका अनुवाद भी उन्होंने किया है और वहीं बीमार पड़े और उसके बाद में वो बीमार पड़ गए, पटना आए, वहाँ से पटना आ गए, फिर पटना से फिर दिल्ली आ गए और चल गए 47 वर्ष में देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर 47 वर्ष वो भारत देश में रहे और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। फादर उनके संकल्प से सन्यासी थे, संकल्प जो ले लिया फादर बुल्के की विशेषता थी, जो मन में दृढ़ संकल्प ले लिया उस संकल्प को पूरा करते थे, फादर की विशेषता। जैसा कि हमारे श्रीमान सर्वेश्वर सक्सेना जी कह रहे हैं कि जो भी संकल्प ले लेते थे फादर उसको कंप्लीट करते थे। कभी कभी लगता है वो मन में सन्यासी नहीं थे, कभी कभी लगता था उनको देख करके मन से वो संकल्प सन्यासी नहीं थे, लेकिन जब देखते थे तो वो वास्तव में अपने संकल्प पर दृढ़ रहते थे और जो जो संकल्प ले लेते उस संकल्प को वो पूरा करते थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी और जब किसी से वो रिश्ता बना लेते थे ना उसको कभी तोड़ते नहीं थे, चाहे उस रिश्ते को 10 और 20 साल क्यों ना बनाए उस रिश्ते को वो कंप्लीट अवश्य करते थे। उसकी गंध, उसकी उसका प्यार, उसका स्नेह, उस रिश्ते का जो 10 साल में 20 साल में लोग भूल जाते हैं, 1 साल में भूल जाते हैं, 1 महीने में भूल जाते हैं। आजकल की दोस्ती आप जानते हैं दोस्त क्या है, स्वार्थ से दोस्त बनाते हैं। आपके पास में कुछ है तो दोस्त बनाएंगे आप, आपके पास कुछ नहीं है तो आपको दोस्त नहीं। आज जातियों को देखकर, आज पैसे को देखकर, रंग को देखकर, रूप को देखकर दोस्ती की जाती है, आज मित्रता की जाती है, लेकिन मित्रता इस प्रकार से नहीं की जाती है। मित्रता का उदाहरण तो सुधर्मा और कृष्ण का कितना सुंदर उदाहरण है और यहाँ मित्रता का उदाहरण कितना सुंदर दिया जा रहा है कि फादर जो थे वो 10 और 20 साल के बाद में भी किसी को भूलते नहीं थे, जिससे मित्रता कर लेते उसे तोड़ते नहीं थे और उसमें रंग रूप स्वार्थ को कभी नहीं देखा उन्होंने, निस्वार्थ भाव से वो मित्रता करते थे और उसकी गंध 10-20 साल के बाद में भी महसूस होती थी। अगर वो 10-20 साल के बाद में भी किसी व्यक्ति से मिलते थे तो उसी प्रकार का व्यवहार होता था जैसे कि पहले दिन मिले थे, इस प्रकार की फादर जी की विशेषता थी। जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते चाहे 2 मिनट के लिए, सही। यह कौन सन्यासी करता है, यह सन्यासी कोई कर सकता है? आज के सन्यासी कर सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। वो दिल्ली जब भी आते थे, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कौन सा भी मौसम हो, वो 2 मिनट के लिए मुझसे मिलने के लिए जरूर आते थे। ऐसा यहाँ सर्वेश्वर दयाल सत्यनारायण जी कहते हैं कि उनकी विशेषता थी। कौन होगा सन्यासी ऐसा जो मिलने के लिए इतना तड़पता होगा, वो दिल्ली जब भी आते 2 मिनट के लिए मुझसे मिलकर जरूर आते थे, ऐसा यहाँ सर्वेश्वर दयाल सत्यनारायण जी कह रहे हैं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते थे, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा का दुख करते तो मैं पाया है। और एक बात की बहुत चिंता मैंने उनको देखी थी, एक बात को लेकर बहुत वो चिंतित रहते थे और उन्हें आक्रोश में भी देखा, क्रोध में भी देखा एक बात को लेकर। अब वो बात साधारण बात नहीं थी या किसी पर झुंझलाते नहीं थे या अपने स्वार्थ के लिए झुंझलाते, देखिए कितनी सुंदर सोच थी और किस चीज के लिए झुंझलाते थे। वो केवल इस पर क्रोध करते थे कि हिंदी को किस प्रकार राष्ट्रभाषा बनाया जाए, देखिए हिंदी के प्रति कितना उनका स्नेह था, हिंदी में कुछ चीज है तभी तो स्नेह इतना, हिंदी के प्रति उनका इतना अच्छा सुंदर स्नेह था कि हिंदी को मातृभाषा और हिंदी को राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए भरसक उन्होंने प्रयास किया और हर मंच पर वो गरजते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कैसे बनाया। और एक सबसे बड़ा उन्हें यह भी दुख था कि हिंदी वालों के द्वारा हिंदी की उपेक्षा की जाती है, इस बात का भी उन्होंने बहुत दुख
होता कि जो हिंदी पढ़ते हैं, जिनकी हिंदी मातृभाषा है, जो हिंदी के अध्यापक हैं, वही उसका मजाक उड़ाते हैं और वही उनकी हिंदी की उपेक्षा करते हैं। इस बात को लेकर काफी वो चिंतित रहते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख मैं उनके मुख से सांत्वना की जादू भरे दुष्ट सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। और किसी से मिलना जुलते थे, किसी से भी किसी भी वक्त जब मिलते जुलते थे, उनकी एक आदत थी कि वो घर के बारे में राजी खुशी अवश्य लेते थे और घर पे कैसे हैं, सभी लोग ठीक है। जैसे एक अपना व्यक्ति मिलता है, देखिए किसी प्रकार का किसी से उनका रिश्ता नहीं, लेकिन सबसे ऐसा रिश्ता था जैसे खास भाई बहन भी आज के जमाने में, माता पिता भाई बहन आज के जमाने में नहीं करते आपस में जितना जितना प्रेम उन्हें देखने को उनके अंतर्गत देखने को मिलता था। फादर के नाम, जिनका नाम पूरा फादर कामिल बुल्के था, उनके अंतर्गत सबसे पहले जब किसी भी से भी मिलते तो गले से गले लगाते थे, पहले हृदय से हृदय लगाते थे और मिठास के साथ में, मधुरता के साथ में पूछते थे और सब घर पे कुशल है भाई बहन सभी लोग, अच्छा काम चल रहा है। और कोई परेशानी अपनी परेशानी बताता था, उस परेशानी का उनके पास में जादू के शब्द थे, पता नहीं कि वो ईश्वर का ही कोई दूसरा स्वरूप तो नहीं था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है वो वास्तव में ईश्वर की कोई दूसरे अद्भुत स्वरूप थे। क्यों उनके दुष्ट जादू भरे जो शब्द हुआ करते थे वो मिनटों में सामने वाले के दुख को पता नहीं चुटकियों में दूर कर देते थे, पता नहीं क्या चमत्कार करते थे कि दो मिनट में दूसरे का दुख समाप्त हो जाता था। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झलती विरल शांति, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की याद आ रही है और साथ में फादर के शब्दों से झलती विरल शांति, जब मेरी पत्नी और पुत्र की जब मृत्यु हो गई थी उस मृत्यु के समय जब फादर ने मुझे अच्छे से सुंदर शब्दों के साथ में, मधुर शब्दों के साथ में, जादू भरे शब्दों के साथ में जब मुझे समझाया, वह मुझे याद आ रही है क्योंकि तीनों ही नहीं है, ना तो फादर ही है और ना ही मेरी पत्नी हो मेरा पुत्र है। आज वही नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाएं खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया और दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं कब वो चले गए। याद आ रही है उनकी उनको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कि अब की बार उन्होंने मुझे गले से नहीं लगाया क्योंकि उनके नज़दीक में बहुत रहे, 35 साल तक उनके पास में रहे, 35 साल उनके इर्द गिर्द में रहे। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और फादर जी 35 साल तक आप एक दूसरे के संपर्क में रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो बीमार पड़ रहे, बीमार पड़ने के कारण और उनकी मृत्यु होने के कारण वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को गले से गले नहीं लगा पाए और उनकी गले से गले लगाने की जो स्टाइल थी, उनकी उंगलियां उनके हृदय को बार बार तरंगित कर रही थी। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस पर पड़ी थी, और जब उनको देखा तो एक ताबूत में, ताबूत आपने देखा वो ठटरी को बोलते हैं, हम अपने यहां जैसे किसी मृत व्यक्ति को जलाने के लिए उसकी ठटरी बनाते हैं लकड़ियों से, उसको लकड़ियों से और बांसों की बल्लियां लगाते हैं और एक चौकोर टाइप का बनाकर उस पर मृत शरीर को रखते हैं, मृत डेड बॉडी को, और कपड़ा उसके ऊपर बांध कर और उसे बस कलावा और सूत्री वगैरह से बांध कर उसे शव जलाने के लिए उसको ले जाते हैं, अर्थात मरगट में ले जाते हैं। तो उसी प्रकार एक ताबूत होता है, बक्सा टाइप का होता है। जब लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कह रहे हैं जब उनको देखा मैंने ताबूत में मृत पड़े हुए हैं और उन उंगलियां उनकी जगह जो उंगलियां दूसरे को हृदय में लगाने के लिए होती वो उंगलियां सुसुप्त अवस्था में अर्थात छिन्न भिन्न अर्थात जाने नहीं है क्योंकि वो मर चुके हैं उस ताबूत में, मरे हुए जब मृत शरीर उनका देखा तो बड़ा ही उद्भुत हुआ। ताबूत में जिस पर पड़ी थी जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी, तरलता उनके चेहरे पर, उनका हृदय मृत शरीर में भी उनकी सारी चीजें दिखाई दी, मृत शरीर में उनकी करुणा उनके अंदर, उनके चेहरे पर करुणा दिखाई दे रही थी, आंखों में करुणा दिखाई दे रही थी, सब कुछ आत्मा नहीं थी बाकी शरीर पर हर उनके जो गुण थे, उनकी क्वालिटियां थी, उन्होंने उनकी व्यवहार कुशलता थी, वो सब कुछ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था।
वह 18 अगस्त 1982 के सुबह 10 बजे का समय था, और जिस समय की बात की जा रही है वो 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का टाइम था। 18 अगस्त 1982 और टाइम 10 बजे। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलस कब्रगाह में, और जिस कब्रगाह था जैसे अपने यहाँ हिंदू रीति रिवाज में शमशान घाट होता है, ऐसे ही जो कृष्णों का जो शमशान घाट होता है जहाँ मृत शरीर को जलाया जाता है, मरे लोगों को जलाया जाता है, डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, तो वहाँ उसी प्रकार का जो कब्रगाह था कश्मीरी गेट, दिल्ली के कश्मीरी गेट जिसका नाम है निकलसन कब्रगाह, में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतरा और उनका ताबूत अर्थात उनका मृत शरीर उस ताबूत में रखा हुआ, जब वो नीली गाड़ी से उसे निकाला गया, कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और कुछ पादरी थे, और रघुवंश जो जिस समय हिंदी विभागाध्यक्ष थे, जिनके इनके मित्र थे, उनका बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। राजेश्वर सिंह कुछ पादरी और रघुवंश जी के बेटे उस उनको उतार रहे थे ताबूत, जिस ताबूत में आपके फादर रखे हुए थे, मेरा शरीर रखा हुआ था, उसको उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, और उसे उठाकर उस कब्रगाह के पास में अंतिम छोर तक उसे ले जाया गया। उस ताबूत को, मृत शरीर से युक्त जो ताबूत था उसको ले जाया गया आखिरी छोर तक कब्रगाह के, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अबाक मुंह खोले लेती थी, और जो कब्र थी अबाक बिना शब्द के लेटी हुई थी, अर्थात शमशान घाट आपने देखा होगा, यहाँ शमशान घाट को, शमशान घाट किस लिए होता है, तो उस लिए होता है मृत शरीरों को जलाने के लिए। तो कब्र गाह था जो आपका, जिसका निकलसन कब्रगाह था, वह लेटा पड़ा हुआ था, ऊपर करील की घनी छाव थी, ऊपर करील जो आपने देखा होगा बबूल जो होता है उसकी दूसरी क्वालिटी होती है, तो जब देखा तो उसकी छाया थी करील के पेड़ों की, चारों ओर कपड़े और तेज धूप के वृत्त, तेज धूप पड़ रही थी जिस समय फादर जी को उतारा गया निकलसन कब्रगाह। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग पादरीगढ़, उनके बीच में गैरिक वसन पहने, गैरिक वसन जिस प्रकार पादरी पहने रहते हैं, जो भी वस्त्र गैरवे वस्त्र, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी, जो अकेले उस सक्रिय सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुखी थी, अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, छिमटाए थे, और सभी लोग मौन व्रत धारण किए, सभी लोग उदास हो गए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सभी को हृदय से प्यार करने वाला, सभी को गले से गले लगाने वाला, सभी के दुखों को बांटने वाला व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति होगा वो फादर, जो फादर थे वास्तव में बहुत सुंदर, अत्यधिक उत्कृष्ट व्यक्ति थे, उनके अंदर बहुत ही विशेषताएं थी, ईश्वर के स्वरूप थे, साक्षात गॉड थे वो, परमात्मा से कम नहीं थे, उनके गुण, उनके विचार, उनका व्यवहार, दूसरों से प्यार करना, चाहे वो किसी भी कौम का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, दूसरों को गले से लगाना, दूसरों से राजी खुशी पूछना, दूसरे की परेशानियों को बांटना, दूसरे की परेशानियों को कम करना, ये उनकी विशेषता थी। जब वो व्यक्ति छोड़ के चला गया तो जितने भी मैंने आपको नाम बताए वो सभी लोग वहाँ उस निकलसन कब्रगाह में मौत घाट व्रत के लिए लेटे हुए हैं, दुख से तड़प रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उनका दुख कर रहे हैं। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, और कब्र जो होती है आपने देखा हुआ स्नान होता है, फादर के शरीर जो था उसे ताबूत से निकाला गया, और वहां मसीही विधि से अंतिम संस्कार उसने हुआ, और मसीह जो जो आपके कृष्ण मसीहा होते हैं, जो कृष्ण जो लोग होते हैं, उस विधि से, उसी परंपरा से, क्योंकि चार धर्म होते हैं आपके, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, तो ईसाइयों का जो धर्म होता है उस धर्म के रीति रिवाज से, क्योंकि सब धर्मों में अपना रीति रिवाज अलग अलग है, अंतिम संस्कार करने का, अर्थात मरे हुए व्यक्ति को शमशान में ले जाकर जलाने का, और जन्म से लेकर जलाने तक का, अंतिम संस्कार तक का, सभी धर्मों में अलग अलग है।
तो जो ईसा मसीहों का जो धर्म है उस धर्म को उन्होंने उस धर्म से उस रीति रिवाज से उनका संस्कार किया। रांची के फादर पास्कल तोइना के द्वारा, और जो रांची के फादर थे पास्कल जिनका नाम था उनके द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीह विद से प्रार्थना की और हिंदी में मसीह विद से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियस के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बिल्कुल धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानते सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नमा आपको मिलना साहित्य नाम है। मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा पता नहीं था कि ऐसे शख्स के लिए इतने लोगों की भीड़ थी, अर्थात उन नम आंखों को गिनना, क्योंकि वहां करोड़ों की भीड़ थी। वो वास्तविक है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, कुशल व्यक्ति होता है, जिसके अंदर दूसरों के लिए प्यार होता है, निस्वार्थ भाव से जीता है, जो दूसरे की परेशानियों को कम करने की कोशिश करता है, दूसरे के दुख में दुख का एहसास करता है, सुख का एहसास करता है। जब व्यक्ति वह इस पृथ्वी को छोड़कर जाता है तो उसकी हर कोई याद करता है। तभी तो कहा है कि इस पृथ्वी पर आकर व्यक्ति को अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए, अहंकार में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि फादर उनके जो थे वो बहुत ही अच्छे और सज्जन व्यक्ति थे। तभी तो लोग उन्हें, अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इतना कह रहे हैं कि वहां लोगों की आंखों को गिनना, उन नम आंखों को गिनना, कितने लोगों की आंखों को गिना जाए। दुख से भरी उन फादर कामिल बुल्के थे जो उनके लिए दुख से भरी आंखें, करोड़ों लोगों की उन आंखों को कैसे गिनाई जाए, और गिना भी जाए तो किसके समान है, जैसे फर्श पर स्याही फैला दीजिए उस स्याही को नहीं गिन सकते हैं, उसी प्रकार उन नामों को गिनना मुश्किल था। तो एक अद्वितीय व्यक्ति, बहुत ही प्रतिभा के धनी, बहुत ममत्व की भावना जिनके अंतर्गत हो, जिनके अंतर्गत दूसरों के प्रति प्यार हो निस्वार्थ भाव से, ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं याद करेगा। यहां तक कवि ने कहा है कि ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर हमेशा जन्म लेते रहे, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। तो ये चैप्टर आपका दो भागों में कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि फादर बनके जिस प्रकार थे, हमें भी इस प्रकार बनना चाहिए। एक पहले चैप्टर था जो मैंने पढ़ाया आपको, जिसका नाम बाल गोविंद भगत था, वो भी बहुत अद्वितीय चैप्टर था, और उसमें जिनका वर्णन किया गया, जिनका नाम बाल गोविंद भगत था, वो भी अद्वितीय व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत और फादर कामिल बुल्के, दोनों व्यक्तियों का हमें जीवन में अनुसरण करना चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए। हमें जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, दूसरे से प्यार करना चाहिए, आपस में एक दूसरे से स्नेह करना चाहिए, दूसरों को गले से गले लगाना चाहिए। अर्थात यही संसार में सब कुछ रह जाता है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। क्या अहंकार करना अपनी अपनी किसी मोह माया पर, क्या अपनी समृद्धि पर अहंकार करना, क्या अपने स्वरूप पर अहंकार करना, किस चीज पर क्या करना, यहाँ यही इन दोनों चैप्टरों से मैं दोनों शीर्षकों से बाल गोविंद भगत और फादर कामिल बुल्के मानवीय कर्म दिव्य चमक नामक दोनों चैप्टर से हमें यही प्राप्त होता है कि हमें जिंदगी में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कोई भी प्रॉब्लम हो दोनों चैप्टर में, इससे पहले जो पढ़ा दिया गया उस चैप्टर में और इसमें, सहर्ष आप कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।